हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। आज हम जेल पहरी के जो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आए हैं, जो कि 11 तारीख को कंडक्ट हुआ था, इसमें सुबह की शिफ्ट का एनालिसिस लेके आए हैं। एग्ज़ाम सेंटर हमने खुद पहुंचकर बच्चों से रिव्यू लिया है, उनसे जो भी हमें क्वेश्चन मिले हैं और जो और भी अदर स्टूडेंट ने जो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं, उनको लेकर हम आपके सामने आए हैं। आइए जानते, सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो आज का जो एग्ज़ाम हुआ है वह सिंपल से लेके मॉडरेट लेवल का है। कुछ बच्चों ने इसे टफ भी बताया है, लेकिन जितना भी एनालिसिस मैंने किया उस हिसाब से लगभग जो पिछली ईयर 2018 में जेल पहरी का पेपर हुआ था उसी लेवल का है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, और कुछ नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि सतना मेयर कौन है, तो सतना की मेयर कौन है, ममता पांडे। और एक चीज़ और, इसमें सबसे ज़्यादा एमपी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन एमपी के करंट अफेयर्स से पूछे गए। तो आप एमपी के करंट अफेयर्स के ऊपर कमांड जरूर हासिल कर लीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम कल है या परसों, तो आपके पास समय है, तो आप ध्यान रखिए कि एमपी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन आया था, गजानन माधव का जन्म स्थान कौन है, तो गजानन माधव का जन्म स्थान शिवपुर है। इसके बाद बात करें, एक क्वेश्चन था श्री कृष्ण सर्वप्रथम कहाँ पूजे जाते हैं, तो इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें मिला नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा। इसके बाद प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई एक बुक का नाम पूछा गया था, उसका नाम है द कॉलिएशन ईयर्स। द कॉलिएशन ईयर्स ये हाल में लॉन्च की गई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन था, सितंबर माह में कोविड क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने किसे संबोधित किया था, तो इसका आंसर अभी हमारे लिए मिला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन था, जल अधिवेशन कब हुआ था, तो 11 फरवरी 2020 भोपाल को। तो जैसा कि हमने बताया था कि करंट अफेयर्स एमपी करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उस पर कमांड रखिएगा, और हम कोशिश करेंगे आज रात तक एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ वीडियो या कुछ पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड कर सकें जल्दी से जल्दी। तो हमारी पूरी तैयारी है, हमारी टीम इसमें लगी हुई है, तो आपको आज रात तक तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास आपको एक वीडियो हम एमपी करंट अफेयर्स का प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद नृत्य से क्वेश्चन आए थे, ढोलू सतकुटी नृत्य, इसका भी आंसर हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप नृत्य को तैयार कर लीजिएगा। नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, एरन अभिलेख में भगवान विष्णु की कौन सी प्रतिमा स्थापित है, तो एरन अभिलेख में भगवान विष्णु की वाराह प्रतिमा स्थापित है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन विलोम शब्द से आए थे, जंगल का पर्यायवाची, वन अरण्य कानन, मुहावरे से कुछ क्वेश्चन आए थे, शास्त्रीय नृत्य से आए थे। एक चीज़ और, जिनका भी एग्ज़ाम आज है या दूसरी शिफ्ट में है, अगर आपको एग्ज़ाम है तो आपके पास जो भी क्वेश्चन है या कहीं और से आपको मिले हैं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके जो भी क्वेश्चन हैं, ताकि आपके ज़रिए दूसरे स्टूडेंट को भी मदद मिल सके। अब हिंदी की बात करें हम, तो हिंदी में संधि विच्छेद से 3 क्वेश्चन आए थे, साथ में वर्तनी तथा समास वगैरह से 1-1 क्वेश्चन आए थे। वर्तनी शुद्ध रूप पूछते हैं, शब्द 4 शब्द दिए रहेंगे आपको, सही वर्तनी का पूछेंगे, किस निम्नलिखित में से किस शब्द की सही वर्तनी है। इसके बाद मुहावरे से 3 क्वेश्चन आए थे, मुहावरे में मुहावरे प्लस लोकोक्तियाँ दोनों शामिल होती हैं। इसके बाद प्रत्यय से 1 क्वेश्चन आया था, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आए थे, उपसर्ग से 1 क्वेश्चन, अलंकार व रस के उदाहरण से 2 क्वेश्चन आए थे, और वाक्य के प्रकार पूछे गए थे, और बोली से 1 क्वेश्चन आया था, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आए थे, संज्ञा ध्वनि, संज्ञा और ध्वनि, संज्ञा से भी 1 क्वेश्चन था, और ध्वनि जो हिंदी का विषय है स्टार्टिंग का ध्वनि, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद लेखक कवि की रचना पूछी गई थी, किसी लेखक या कवि की, नाम नहीं मालूम, लेकिन उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन थे। तो हिंदी हमारी जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं
पिछले ईयर पे या सॉरी 2018 में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसी टाइप की टिपिकल टाइप की हिंदी आई, इसमें कुछ भी नया नहीं आया है। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन आपको मंजीत सर बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के पेपर के बारे में हम मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो हमें जो मालूम चला है वो हम आपको बताते हैं। तो पहला हमारा एक क्वेश्चन आया था शंकु से। शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा गया था। और फिर दूसरा क्वेश्चन घन का वक्र पृष्ठ, और तीसरा क्वेश्चन था गोले का संपूर्ण पृष्ठ, और तीसरा क्वेश्चन घन से आया था। ठीक है, ये आप देख लीजिए बेसिक क्वेश्चन आए हैं, तो इनमें बस ये देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। चौथा अनुपात वाला एक क्वेश्चन अनुपात से आया था। पांचवा एक क्वेश्चन आया था परसेंट से। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आया था पाँच ए से। इसके बाद बीजगणित से क्वेश्चन आए थे, द्विघात समीकरण वाले और रेखाओं वाले क्वेश्चन आए थे। तो बीजगणित में क्वेश्चन आए थे द्विघात समीकरण। और दूसरा रेखाओं से क्वेश्चन आए थे। तो बस मैथ्स में ये इतना ही मालूम चला है, इनसे क्वेश्चन आए थे, तो आप इनका बस बेसिक अध्ययन कर लीजिए, आप पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।